रणजीत सिंह की जगह अगर मैं होता तो मैं एक मिनट में भाजपा को ये कह सकता था कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए वोट नहीं मांगूंगा जिसके लिए कल मैंने लोगों के बीच में खड़े होकर के फिर चार बात सुनी। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें एलनाबाद विधानसभा के गांव भुरटवाला की हैं, जहां पे आपको बता दें कि इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने अपने पक्ष में मतदान की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो अभय सिंह चौटाला आज दर्जन भर गांव का दौरा कर रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें भुरटवाला गाँव की है। इसके बाद अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें हैं कुंभथल गांव की, जहां पे अभय सिंह चौटाला को अच्छा खासा समर्थन लोगों के द्वारा जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ममेरा खुर्द गांव की। यहां पे अभय सिंह चौटाला ने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके और उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें कामयाब करें ताकि किसान आंदोलन की जीत हो सके, क्योंकि किसानों के लिए, किसान आंदोलन के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, इसी पद से इस्तीफा दिया था, तो वही पद के लिए इस बार दोबारा से चुनावी मैदान में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटों से जो है उन्हें जिताने का काम करें जिससे कि किसान आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिल सके, एक नई दिशा मिल सके। इस दौरान पत्रकार वार्ता में अभय सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। उसके बाद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां कागराना से शुरुआत करने जा रहे हैं। अब और तो कहीं रैली कर नहीं सकते और कागराना को पता नहीं क्या सोच करके इन्होंने चुनना शुरू किया है। मुझे लगता नहीं कि कागराना में कुछ हासिल करेंगे। कागराना मेरा बहुत पुराना समर्थक गांव है और मैं हमेशा कागदाना में बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतता रहा हूँ। अब की बार भी कागदाना मुझे बहुत बड़े मार्जिन के साथ जिताने का काम करेगा, ना केवल कागदाना बल्कि अब की बार तो पूरा एलनाबाद क्षेत्र जो है। आज आपने देखा है मेरे साथ गांव में गए हो, किस तरह का उत्साह है लोगों में और किस तरह का आगे से आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हम जो है अब की बार इस किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही इन तीन कृषि के काले कानूनों के लिए दोषी है। कानून की पहल करने वाली जो है वो कांग्रेस है। उन्होंने शुरुआत एक शब्द से की थी कि ठाकुर तो कियो, इस शब्द से शुरुआत करके वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि अभय चौटाला इस बार हार। नहीं नहीं, तेरे को सुनने में गलती होगी, आपको वो इशारा नहीं कर रहा था गोविंद की तरफ, देख उसकी तरफ रहा था। जब ये बात कह रहा था तब देख गोविंद की तरफ रहा था। मैंने उसकी वो वीडियो देखी थी अच्छे से, उसने कहा था नाम नहीं लूंगा मैं, तो खुद ही कह के गया बेचारा कि हमारे से गलती होगी, हमारे वाला तो गया। चौधरी रणजीत सिंह जो कि कल तक कांग्रेस, अगर बात करें तो कांडा के सामने चुनाव लड़ते थे और ये भी कहा था कि कांडा के समर्थक उनसे काम करवाने के लिए ना आए, लेकिन आज वो उनके साथ वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह से पूछो आप ये बात, पूछी थी सर कि आप जिसके बारे में क्या क्या आरोप लगाते थे, जिसके बारे में आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, आज आप उसको समाज से भी बता रहे हो, आज आपको उसको पता नहीं कितना इतिहास बता रहे हो। कम से कम आदमी को
रणजीत सिंह की जगह अगर मैं होता तो मैं एक मिनट में भाजपा को ये कह सकता था कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए वोट नहीं मांगूंगा जिसके लिए कल मैंने लोगों के बीच में खड़े होकर के फिर चार बात सुनी। को आश्वासन दे रहे कि अभी काम करवा देंगे, यानी वोट तब देना तब काम करवा देंगे, क्या आचार संहिता के अंदर काम हो सकता है? हाथ में सरसों का योगी है सर, एक ये तो हाथ में सरसों उगाने वाली बात है, ये भी करा देंगे। आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा आश्वासन दे दे 30 तारीख से पहले कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करेगा तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इनेलो के पूर्व में अध्यक्ष है अशोक अरोड़ा, वो भी प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार ये कर रहे हैं कि आप बाबा साहब भीमराव की फोटो लगाते हो, उसको लेकर हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। जाओ क्या कोई रोक है? हमारे साथ था तब नहीं गया तो कभी गया।